त्याग कर दिया। इसलिए सदा ये बात याद रखो कि भक्ति के रास्ते में भगवान को यदि पसंद नहीं है, केवल अभिमान पसंद नहीं, इसलिए सदा अभिमान से बच के रहे। गोपियों को अभिमान आया तब जब उन्हें भगवान मिल गए, तब मिलने के बाद अभिमान आया तो भगवान छोड़ के चले आए। भगवान मिल जाए और तब भी अपमान आ जाए तो भगवान छोड़ के चले जाएंगे, मिल गए भले। इसलिए अभिमान कभी नहीं, कभी नहीं। आप में से कितनों के भीतर अभिमान है, कोशिश कीजिए कि यदि है तो समाप्त हो जाए। अभिमान लगभग सबके भीतर ही होता है, किसी को पद का, किसी को प्रतिष्ठा का, किसी को अपने पैसों का, किसी को अपनी गाड़ी बंगले का, किसी को किसी का अभिमान होता। आप लोगों को है किसी का अभिमान? मैया, ओ मेरी माँ, बेटा, ओ छोरा, यही वर्ड यहाँ खींच लेता है इन लोग। सुनो बेटा, मैया, अभिमान। अच्छा, मैं एक सवाल अपने आप से भी पूछता हूँ आपसे, बता। यहाँ हमारे पास ऐसा क्या जिसका हम अभिमान करें, जो आपके पास है वो आपका नहीं है? मान लो इस बात को।